सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे भाई, बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। आज यार आज ना हमने कुछ और ऐसी चीज़ें लगाई है। इन दिनों हम काफ़ी ऑक्यूपाइड थे भाई, ठीक है, हमारे बैक टू कस्टम काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। इस बीच हमने काफ़ी डिटेलिंग स्टूडियो भी खोले, तो हम सॉरी उसके लिए भाई। अब हम रेगुलर हैं, ठीक है, तो इसी बीच हम वापस से शुरुआत कर रहे हैं अपने ब्रियो के साथ। एंड हमने इस पर कुछ नए मोड्स कराए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, और जो जो भी मोड्स हैं उनकी प्राइसिंग भी बता दें। तो सबसे पहला स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे वीडियो, तो दिखाना शुरू करते हैं। हमारे पास हैचबैक के लिए स्पॉयलर्स मिल जाते हैं सारे, अब ये देख पा रहे होगे। ब्रियो के लिए है, ठीक है, शिफ्ट में भी लग सकता है, बट इसकी जो प्रॉपर फिटिंग आती है ना वो होंडा कार्स में आती है। आप साइड से इसको चेकआउट कर सकते हो। अभी तो बारिश है तो थोड़ा सा वो आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो माइंड मत करना, ठीक है। तो आप इसका लुक देख सकते हो, लिटरली मैं बताऊँ ना, गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी और बहुत ही लुक एनहेंस करा है इसने। अगर मैं तो भाई आगे चलते हैं, अगर मैं बताऊँ तो भाई पहले जो नॉर्मल वाला स्पॉइलर था उसमें एकदम डिसेंट सी लुक आती थी कि हाँ गाड़ी है, हल्की स्पोर्टी लगती है, बट अब ना काइंड ऑफ एक डेविल लुक देने लग गई है गाड़ी। तो आप चेक कर सकते हो, इवन जो स्पॉइलर से लेके रूफ से लेके एंड हुड सारा जब ब्लैक दिखता है ना तो अपीरियंस थोड़ी अलग लगती है, एंड लिटरली रिएक्शन का पॉइंट बनती है गाड़ी। अगर आप भी देखोगे, कोई जानता है, कोई एंथुजियास्ट है, तो डेफिनेटली वो एक बार चेकआउट जरूर करता है कि क्या क्या सामान है, क्या क्या लगा हुआ है। तो स्पॉइलर मैंने आपको बता दिया, हमने नया लगवाया, हमारे पास ए टू जेड तरीके के, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉइलर मिल जाएंगे। मसल स्पॉइलर मिल जाएगा, विंग स्पॉइलर मिल जाएगा, डिफॉल्ट स्पॉइलर मिल जाएगा, OEM जो कि लगाए जाते हैं स्पॉइलर डिफ्यूज़र सब मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर डिफ्यूज़र नहीं आता है तो हमने नहीं लगाया, बट हाँ आफ्टर मार्केट हम जुगाड़ कर सकते थे, बट स्टिल हमने सोचा कि यार जो है नॉर्मल रखते हैं। इतना मॉडिफिकेशन हमारी वीडियो के अंदर बहुत है, हमने बहुत ही गाड़ी भी मॉडिफाई करवाई है, तो वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे इस चैनल के अंदर। अब हम ले आते हैं कुछ और बढ़िया मोड जो कि कहीं ना कहीं ऑडियो के हिसाब से है। वेव के अंदर पहले हमारे आगे के अंदर JBL लगे हुए थे, एंड यहाँ पर हमारा वेव वाला डलवा है, उसकी अनबॉक्सिंग और जो हमारी इंस्टॉलेशन की वीडियो वो यहाँ पर आ रही होगी, आप उसको देख सकते हैं। अगर मैं इसका आउटपुट का लुक एंड फील बताऊं तो भाई काफ़ी बढ़िया आउटपुट है। इस रेंज के अंदर आपको ऐसा आउटपुट ना, मतलब ये मानो JBL तक की टक्कर है। एंड अभी हम रीसेंट उसको क्या कहते हैं, जो रीसेंट हमारी ऑडियो सिस्टम लगा है उसको ट्यून करेंगे विद आवर एम्पलीफायर। तो मतलब बहुत ही जल्दी उसकी वीडियो मैं डाल दूंगा जिसके अंदर हम अपनी ब्रियो के अंदर एम्पलीफायर लगाएंगे एंड फिर आउटपुट देखेंगे। एंड ऐसा सेटअप दे दूंगा ना कि भाई मतलब आपने मार्केट के अंदर देखा नहीं होगा, इतने बढ़िया रेट पे ऐसा ऑडियो सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब अब रेट की बातें स्टार्ट हो गई है तो मैं आपको रेट लिस्ट और जो भी सामान है जो अभी लेटेस्ट है उसका बता देता हूँ। तो अगर मैं स्पॉइलर की बात करूँ ना तो भाई सबसे पहला जो आपका डाउट रहता है कि भाई कि आपने स्पॉइलर बताया इतने का, 2000 का, 2500 का बताया, ठीक है, एंड ऑन द गो जब बंदे आते हैं ना तो उनको कहीं ना कहीं 2700, 200, 300 का फ़र्क मिलता है। वो इसलिए क्योंकि यार हम ना होलसेल रेट बताते हैं, जो हमारी खुद की परचेजिंग होती है उस पर बताते हैं, सो दैट हम आगे, क्योंकि हमारा बल्क का काम रहता है तो हम वो रेट बता देते हैं, मतलब मैं मानता हूँ। बट स्टिल अगर मैं एक ओवरऑल रेंज दे दूँ ना आपको, तो ये वाला स्पॉइलर आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो, लुक तो यार आपने देख लिया होगा, आई होप नहीं, डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा क्योंकि हमें भी बहुत पसंद आया। हम लगाते ही वही सामान है जो कि भाई हमें लगता है कि हाँ यार ये कस्टमर परचेस कर गया, उसकी गाड़ी को अच्छा एस्थेटिक लुक देगा ये चीज़। तो ये चीज़ थी एंड बढ़िया है, क्वालिटी भी बढ़िया है, पेंट भी इतनी जल्दी इसका वो नहीं होता है, तो ओवरऑल बढ़िया चीज़ है। एंड रेंज बता दूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 3000 से लेकर 4000 के बीच में। अब ये मैं बता दूँ क्यों है रेंज, क्योंकि कभी कभार ABS का मिल जाता है, कभी कभार डोप्ड ABS या फिर जिसे कहते हैं फाइबर मिक्स ABS वाला मिलता है, कभी कभार प्लास्टिक का मिलता है, उसके हिसाब से रहता है। एंड मार्केट के अंदर भी इसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा रेट रहता है, बट मोटा मोटी अगर आपको वैसे चाहिए तो यह करीब करीब आपको 2800 रुपये तक का मिल जाएगा, 2700-2800 रुपये तक का। तो ये होगा स्पॉइलर की बात। अब हम आ जाते हैं ऑडियो पर, बेस ट्यूब को मैंने आपको बता दिया था, अब मैं बता दूं कि रेट किस किस के गिर गए हैं। ऑडियो में बहुत सारी चीज़ों के रेट गिर गए हैं, एक बार गाड़ी को जान देते हैं, बेस ट्यूब के भी रेट वापस से आपको दिखा देता हूँ। तो आगे मैंने आपको बताया था हमारे JBL के स्पीकर लगे हैं, क्योंकि हमारी जो मोस्टली गाड़ी ट्रैवल होती है ना वो दो बंदों के हिसाब से ही होती है, मतलब ज़्यादातर दो ही बंदे बैठते हैं, तो हमने आगे बहुत बढ़िया वाला लगा रखा है। करीब करीब जब हमने लगाया था तो वो 10,000 का था, ठीक है, JBL के थे वो, ठीक है, उस काफ़ी अच्छी आउटपुट थी उसकी भी। एंड आज की डेट में ना वही वाला सेम मॉडल मैं आपको यहाँ पर डाल दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा,
तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वो आजकल की डेट में आपको 6,500 से 7,000 का मिल रहा है, जो कि मैं कहूँगा वन ऑफ द फेवरेट पिक्स है मेरी तरफ से। भाई लगाओ, OEM से बहुत एनहेंस्ड है, चाहे आपके पास शिफ्ट हो, ठीक है, चेपकस होंडा की कोई भी गाड़ी हो। अलॉन्ग विद दिस मैं बोलूँगा फोर्ड के अंदर भी आपको वो लगा सकते हो, मोस्टली सारी गाड़ियों में लगा सकते हो, कहीं ना कहीं सबसे अच्छा ही आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अंदर जो लगाए हैं, वो है वेव वाले। वेव भी अगर आपको चाहिए होंगे तो आपको 3,000 रुपये तक के पड़ जाते हैं दोनों स्पीकर, तो 3,000 के हिसाब से वो बहुत ही तो भाई 3,000 के हिसाब से वो मैं बोलूँगा बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसके अंदर आपकी ए टू जेड चीज़ें कवर हो जाती है। एंड उसके अंदर एक ट्विटर का भी मॉड्यूल मिलता है, जिससे कि मैं बोलूँगा आपका जो ऑडियो सिस्टम है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं बता दूं आगे के 6,500 से 7,000 रुपये मान लो मोटा मोटी, एंड पीछे का 3,000 रुपये मान लो, तो 10,000 का ये हो गया। एंड हमारी ये बेस्टी उस टाइम हमने ली थी 7,000 की, आज का जो रेट पड़ रहा है ना इसका, वो मैं कस्टमर रेट बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट बल्क में भी इतना ही पड़ता है, क्योंकि हम अपने कस्टमरों के साथ ऐसा नहीं करते, जो भी बेस्ट प्राइस होता है हम वो देने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला भी आपको आज की डेट में पड़ जाएगा 4,000 रुपये की, आपको सोच लो 4,000 रुपये की बेस्टी, एंड वो भी 5,000 वॉट की, तो आप ये समझ लो कि क्या आउटपुट होगा। एंड इसकी भाई ये भी इतना है ना कि गाड़ी बजने लग जाती है, आप समझ जाओ। तो इसके अंदर मोर देन इनफ बेस है, मोर देन इनफ ट्रैवल है, एंड एम्पलीफायर इसके अंदर इनबिल्ट आता, तो उसकी भी आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, एक एम्पलीफायर लगाओगे और चारों को साथ कनेक्ट कर दोगे तो यू विल फील द डिफरेंस कि हाँ भाई मेरी गाड़ी इतनी बज रही है कि हल्की बार तो नहीं बोलूँगा, अच्छी खासी बार आपकी वॉइस जाने को कैपेबल हो जाएगी। एंड मैं कहूँगा इतना मोर देन इनफ रहता है, अगर आप बहुत ही हाई एंथुजियास्ट नहीं हो कि आपको दुनिया को सुनाना है तो बात अलग आ जाती है। अदरवाइज अगर खुद सुनना है ना, खुद भी आप लाउड पसंद करते हो, तो यार बहुत होता है इतना। एंड ये अगर सेटअप आपका लग जाता है, मैं प्राइसिंग बता दूँ तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, करीब करीब 15-20,000 का। एंड अगर हम एम्प भी ले लें तो 30,000 में ऐसा सेटअप मैं बोलूँगा आपको यूजुअली मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चक्कर रहता है। तो आप कोई भी गाड़ी ले सकते हो, वो देखो फैबिया वाले बंदा भी देख रहा था, है तो रिएक्शन का पॉइंट तो है ही, ठीक है। तो ये सब आ जाती है बात, आपको 30,000 के अंदर बहुत अल्टीमेट ऑडियो सेटअप मिल जाएगा। एंड इसी के साथ अगर आपको स्टीरियो भी चाहिए तो वो भी 7,000 रुपये तक में अवेलेबल आपको मिल जाता है। 7,000 तो बेसिकली बहुत एडवांस स्टीरियो है, आपको स्टार्टिंग में बता दूँ तो 3,000 या 3,600 से स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ वाला 2GB RAM 16GB वो वाला आपको देखना मिल जाता है। अब हम आगे आगे और भी दिखाएंगे, जैसे एक बार लाइट्स का भी, और मैं प्राइस बता देता हूँ लाइट्स दिखा देता हूँ। तो एक बार लाइट, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में कवर कर रखा है, तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट हाँ, अगर मैं लाइट्स की बात कर लूँ तो भाई ये लाइट्स है ब्रियो के लिए ये ईगल आई हेडलाइट होती है। एंड सेम अगर आपके पास कोई दूसरी हैचबैक है लाइक शिफ्ट, तो शिफ्ट के अंदर ना यहाँ पे एक हनीकॉम डिज़ाइन वाली लाइट्स आती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल होगी। मतलब मोटा मोटी हमारे पास ए टू जेड लाइटिंग के सेटअप आपको मिल जाएंगे। एंड यही नहीं, अगर हम ब्रियो की ही बात कर लेना तो भाई ब्रियो में ही हमारे पास टेल लैंप्स भी है, टेल लैंप्स जिसके अंदर काइंड ऑफ एक DRL होता है गोल है, बट वो DRL में चलता है। वो भी मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ पीछे से कैसे चलेगा, वो मैं दिखा देता हूँ। अगर आप पीछे रहोगे तो यहाँ से कुछ वो DRL रहेगी, एंड यहाँ तक एक DRL रहेगी। तो कहीं मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूँगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो भी हो गई, हेडलाइट टेल लाइट आपको सारी अवेलेबल हो जाएगी, आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हो, ठीक है, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। आपको जो जो भी चीज़ चाहिए, जो आपकी डिमांड है, वो पूरी हो जाएगी कार रिलेटेड, ठीक है। टिंट्स के रोल अब हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं, मतलब अच्छी क्वान्टिटी के अंदर। PPF भी है, PPF की मैं एक अच्छी सीरीज़ ला रहा हूँ वो अगली वीडियो में। बट हाँ, टिंट की मैं बता दूँ, क्योंकि टिंट और जो हमने रूफ़ कराई है ना, वो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, क्योंकि यार लोग ना ऐसे ऐसे टिंट करा के घूम रहे हैं जो कि 2-4 दिन में उतरने लग जाते हैं। मैंने इसका भी आगे वाला दिखाया था, इसलिए उतारा था क्योंकि उसकी वो क्वालिटी नहीं आती। सेम गोज़ विद रूफ़। अब मेरी गाड़ी अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होगे ना, तो यू विल सी कि भाई ये करीब करीब मेरे 5 साल से लगी हुई है रूफ़। एंड स्टिल अगर मैं आपको इस पर ना एरर्स दिखाता हूँ, 5 साल में तो भाई लोगों की रूफ़ बोलूँ तो भाई वो ये मान लो 5 साल में तो लोग 2 बार चेंज करा लेते हैं, ऐसा। बट इसके आप देख लो, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी इशू इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे फूल गया था, बाहर खड़ी हुई थी। इसके अंदर भी प्रिकॉशंस आप ले हो तो ये सब भी नहीं आता है। बाकी डॉटलेस रूफ है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिट्टी है, माइंड मत करना क्योंकि अभी बारिश हुई थी। बट हाँ, अगर हम
कॉर्नरिंग को छोड़ दे, क्योंकि यार यहाँ पे ये जो हमारी रूफ लाइन्स होती है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू रहता है, अदरवाइज प्रॉपर है, ठीक है। तो इससे दिस इंडिकेट्स कि भाई क्वालिटी वर्क है, एंड आपको क्वालिटी वाले रोल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ तक मैं बोलूँगा कि रखते हैं, बाकी और भी कुछ एसेसरीज है वो भी आप अवेलेबल हमारे पास हो जाइए, आप मंगा सकते हो। तो आज के लिए यार मैं सोचता हूँ इतना ही, अगली वीडियो के अंदर एक PPF की मैं क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, एंड क्या स्कैम चल रहा है ये बताने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। तो आज यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेक श्योर कि यार आप लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अब से रेगुलर एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आ रहा है। तो यार दैट्स ऑल फॉर द डे, तो आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, एंड सी यू फॉर इन द नेक्स्ट वीडियो।